जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों हाल ही में MPNHM के द्वारा ANM के पदों को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें दोस्तों हमें देखने मिल रहा है लगभग 1200 पदों के लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इसे समझेंगे कि यहाँ पर किस पद के लिए और कितनी वैकेंसियाँ लाई गई हैं। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है और इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। यहां पर यहां सबसे जो पहले महत्वपूर्ण है दोस्तों उसे हम देखें। यहां पर इंपॉर्टेंट है पदनाम कि आखिर यह पोस्ट जो है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो पोस्ट कौन सी है दोस्तों। तो हमें देखने मिलता है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अर्थात दोस्तों ANM की पोस्ट है यहाँ पर आई हुई है और ये पोस्ट दोस्तों मध्य प्रदेश के NHM अर्थात दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या नेशनल हेल्थ मिशन के तहत निकाली गई है। यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ये जो पद हैं इनकी कुल संख्या यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो हमें देखने मिलते हैं जो कुल पोस्टें हैं वो कितनी हैं, 1200 हैं। ठीक है, तो 1200 पद हैं यहाँ पर ANM को लेकर के। आगे यदि बात करें दोस्तों हम आवेदन तिथि की के एप्लीकेशन की, वो जो डेट है दोस्तों कब से कब तक की है, तो यहाँ हमें देखने मिलता है एप्लीकेशन डेट है दोस्तों, आवेदन की तिथि है 16 नवंबर 2022 से लेकर 12 दिसंबर 2022 तक। अर्थात दोस्तों 16 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के मध्य तक में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पर किसके लिए है ये पद, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि क्या यह मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, तो इसमें नो डाउट दोस्तों पद का नाम ही है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, यानी दोस्तों यदि आपके घरों में कोई आपकी बहन है या इत्यादि कोई भी दोस्तों महिला है तो आप उन्हें बता सकते हैं। और महत्वपूर्ण दोस्तों आयु की यदि हम बात करते हैं, एज की यदि हम बात करें, तो 21 से लेकर 43 आयु वर्ग की महिलाएं इसके लिए एप्लीकेबल हैं, वे फॉर्म भर सकती हैं। बात की जाए दोस्तों आयु की गणना की कि आयु की गणना किस तिथि को लेकर की गई है, तो यहाँ हमें देखने मिलता है 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 तक यदि आपकी आयु 21-43 के मध्य है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रिलैक्सेशन की यदि बात करें दोस्तों, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है और यह रिलैक्सेशन सभी वर्ग की महिलाओं के लिए है। तो यहाँ हमें देखने मिलता है दोस्तों 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन है, अर्थात 21 से लेकर 43 की जगह अब दोस्तों 43 में आप 5 और जोड़ सकते हैं, 48, 21 से लेकर 48 वर्ष के उम्र की महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। बात करें दोस्तों इस फॉर्म के फीस की, तो यह टोटल निशुल्क है, पूर्णतः निशुल्क है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है सैलरी। ठीक है, सैलरी की यदि बात करें दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि जो सैलरी होगी वो होगी 12,000 रुपये प्रतिमाह। आगे चलकर यदि हम बात करें दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता की कि आखिर योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर 12th पास। ठीक है, 12वीं आपका पास हो और 12वीं दोस्तों जो उत्तीर्ण हो वो किस सब्जेक्ट से हो, तो सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना महत्वपूर्ण है। आगे यदि हम बात करें अन्य बिंदुओं की, तो हमें देखने मिलता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से महिला बहुउद्देशी कार्यकर्ता या सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि अनिवार्य क्या है 12th के साथ में ही, तो हमें देखने मिलता है महिला बहुउद्देशी कार्यकर्ता या सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का एक जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, वो आपका होना बहुत अनिवार्य है, वो भी चाहिए। साथ में 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से हो। इसके अलावा एक और योग्यता यहां पर मांगी गई है जो कंपलसरी है, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन का वैध पंजीयन होना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये सारी चीजें यदि आपके पास में है और आपकी आयु 21 से लेकर 48 के मध्य है, तो निश्चित तौर पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पदों की, तो हमें यहां देखने मिलता है कि जो टोटल पोस्ट है, जो कुल पद है, वे है 1200, जनरल के लिए 324, EWS के लिए 120। आगे देखते हैं दोस्तों जब हम, तो SC के लिए हमें देखने मिलते हैं 240, ST के लिए 192 और OBC के लिए 324। इसके अलावा यहाँ देखने मिलता है निःशक्त जनों के लिए भी क्रमशः 18, 18, 18 पद हैं दोस्तों, दृष्टिबाधित के लिए, ठीक है, कम सुनने वालों के लिए, और इसके अलावा दोस्तों अन्य किसी प्रकार से यदि कुछ और डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी 18, 18 पद यहाँ देखने मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 1200। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिन्हें निश्चित तौर पर आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि और क्या महत्वपूर्ण है, तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके सामने है। नोटिफिकेशन दोस्तों यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह PDF अवेलेबल है, मिश्रा एकेडमी जबलपुर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। यहां हम बात करें कि इस विज्ञापन में प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है, तो हमें देखने मिलता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधार पर संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की
वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। अब यहाँ क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो पद है या ये जो वैकेंसी है ये संविदाबद्ध है, ठीक है, ये आपकी संविदा में बेस पे रहेगी। साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिए है, अर्थात ये जो आपको यहाँ से वैकेंसी आपको मिलेगी ये 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी। हालांकि यह देखा गया है विगत वर्षों में कि निश्चित तौर पर आगे चलकर पदों की जो ये कार्यकाल है दोस्तों इसमें वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन से जुड़े सारे महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होते हैं। अब यदि बात की जाए सिलेक्शन के प्रोसेस की कि आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ हम आपको बता दें इस नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि पहले लिखित परीक्षा होगी या कुछ अन्य जो माध्यम है उसके तहत यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अर्थात यदि हम बात करें विगत वर्षों में देखने मिला है कि जब भी ANM के ऐसे पद सामने आए हैं तो वहां पर डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता था, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता था, लेकिन विगत कुछ समय से, ठीक है, पहले की यदि हम बात करें तो पहले तो मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से यह देखने मिला कि इसके लिए भी लिखित परीक्षा होती थी, ठीक है। हाल ही में यदि हम बात करें तो ग्रुप 5 की भी वैकेंसी आई हुई थी और ग्रुप 5 में कहीं पर भी ANM के लिए कोई भी पद नहीं था, तो उसके लिए यह सेपरेट वैकेंसी लाई गई है। और जैसे ही आपको यहां पर बता दें, जैसे ही यहां पर कोई और यदि इसके नोटिफिकेशन आते हैं कि एग्जाम कैसे होगा, इसकी लिखित परीक्षा क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, तो निश्चित तौर पर आपके लिए हम वह भी जानकारी पहुंचाएंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद। मुलाकात एक नए नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।